हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ये क्या दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे? दुनिया का सबसे लंबा आदमी? अरे बाप रे, सबसे लंबा ना? सारे दुनिया में इससे लंबा कोई नहीं है, सबसे लंबा आदमी। अब क्या दिख रहा है? ये तीनों भाई बहन दिख रहे हैं ना? ये सबसे छोटी वाली बच्ची है ना, जो छोटी नहीं है बेसिकली, वो भी लंबी है, लेकिन उसके भाई बहन उससे लंबे हैं ना, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि छोटी सी है। उसका नाम है नेहा, लड़की का नाम है नेहा, और लड़के का नाम जो उससे बड़ा है, नेहा से लंबा है जो लड़का, उसका नाम है अर्जुन। अपनी बहन से लंबा है ना, और अर्जुन से लंबी कौन है? वो लड़की है दीपा, सबसे लंबी है तीनों में, है ना? हमने किया क्या बेटा? हमने तीनों की लंबाई को कंपेयर किया, हमने तीनों की लंबाई की तुलना की। जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की बात करते हैं, पर्संस की बात करें या थिंग्स की बात करें, तो हम उनके गुणों को, या अगर वस्तु है तो उसकी मात्रा को या उसकी संख्या को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना यानी तुलना करना। हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं? जैसे अभी किया हम लोगों ने, तीन भाई बहन हमको नजर आए, तीन लोग, नेहा, अर्जुन और दीपा। हमने अभी तुरंत उनको देखते साथ ही कंपेयर कर दिया कि नेहा जो है वो एक लंबी है, लेकिन नेहा से लंबा अर्जुन है और अर्जुन से लंबी दीपा है। किया ना? तो ऐसे ही हम व्यक्तियों की या वस्तु की गुणों, मात्रा या संख्या को अक्सर हम बातचीत में कंपेयर करते हैं। और कंपेयर यानी तुलना, मेरे मुंह से बार बार कंपेयर निकल रहा है, आप उसको समझिएगा, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। समझ में आया अच्छी तरह से? अब तुलना करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स। पढ़ चुके हैं आप लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। डिग्री का मतलब होता है दर्जा या श्रेणी। तो किसी की विशेषता कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, इसको जानने के लिए हम इन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, कि मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, फिर आप लोग एकदम साफ साफ समझ पाओ। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है? तीन डिग्रीज होती हैं। उसको जानने के पहले हम ये तीनों जो भाई बहन थे जिनके बारे में हमने बात की, अगर हम इस बात को इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। जैसे नेहा is a tall girl. नेहा एक लंबी लड़की है। नेहा से लंबा कौन? अर्जुन। अर्जुन is taller than नेहा. अर्जुन नेहा से लंबा है। फिर लास्ट में दीपा, अच्छे से लिखती हूं ना, बाद में बोलेंगे बच्चे लोग को दिखाने। दीपा इज द टॉलेस्ट ऑफ
all in the group. इस समूह में सबसे लंबा कौन है? दीपा. देखिए बेटा, इसको हमने किस तरह से लिखा है? नेहा इज अ टॉल गर्ल. नेहा एक लंबी लड़की है. हमने नेहा को किसी से कंपेयर नहीं किया है. कंपेयर करने का मतलब तुलना करना. हमने नेहा की किसी से तुलना नहीं की है. समझ में आया? जब हमने नेहा की किसी से तुलना नहीं की है तो यहां जो एडजेक्टिव है टॉल, ये कौन सी डिग्री में है? ये पॉजिटिव डिग्री में है. पॉजिटिव डिग्री. जब कोई एडजेक्टिव इस तरह से लिखा जाए कि उसकी तुलना किसी दूसरे एडजेक्टिव से ना हो, तो एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है. समझ में आया अच्छी तरह से? नेहा को हमने लिखा, नेहा इज अ टॉल गर्ल. हमने उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की, सिर्फ हमने ये कहा कि नेहा एक लंबी लड़की है. तो यहां पे टॉल इस शब्द को हमने किसी और से, किसी और एडजेक्टिव को लेके कंपेयर नहीं किया, किसी और बच्चे को लेके कंपेयर नहीं किया. तो ये जो डिग्री कहलाएगी, ये कौन सी डिग्री कहलाएगी? पॉजिटिव डिग्री. दूसरा, अर्जुन इज टॉलर देन नेहा. यहां हम क्या लिख रहे हैं? अर्जुन इज टॉलर देन नेहा. अर्जुन नेहा से ज्यादा लंबा है. टॉलर देन. ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये है कंपैरेटिव. ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? कंपैरेटिव. ये है कंपैरेटिव डिग्री. तुलना की जा रही है इसमें. किसकी किसकी तुलना हो रही है? अर्जुन और नेहा की ऊंचाई की, लंबाई की तुलना हो रही है. अर्जुन इज टॉलर देन नेहा. तो ये कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री. अब दीपा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप. दीपा जो है ये द टॉलेस्ट है, सबसे लंबी है. तो यहां पे इन दोनों से ज्यादा लंबी दीपा है, तो हमने इसको द टॉलेस्ट लिखा है. ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री. इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. कंपैरिजन है क्या? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब दोनों से ज्यादा ऊपर है ये. देन करके हमने नहीं किया है. इन दोनों की तुलना में ये सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है. इसलिए इसको कौन सी डिग्री कहा गया? सुपरलेटिव डिग्री. जब दो लोगों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो उसमें सबसे ऊपर जो हो उसको हम बोलेंगे द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप, या जो भी आप टॉल की जगह और जो एडजेक्टिव्स होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे. समझ में आया अच्छी तरह से? अब आप ये जान गए कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सवाल ये है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है? आपको एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना आना चाहिए. जैसे यहां टॉल का टॉलर और उसके बाद टॉलेस्ट हो गया, उसी तरह से ये हमने आपके सामने एक चार्ट रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से समझिए. जैसे ग्रेट, महान, ग्रेटर उससे महान, ग्रेटेस्ट सबसे महान,
हम क्या कर रहे हैं इसमें? हमारे पास में जो पॉजिटिव डिग्री है ग्रेट, एडजेक्टिव ग्रेट, हमने इसमें क्या जोड़ दिया? ई आर और ई एस टी। तो पहला तरीका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं पॉजिटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। आगे देखिए हाई, हायर, हाईएस्ट। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ई आर, ई एस टी। ई आर जोड़ा तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई, ई एस टी जोड़ा तो कौन सी डिग्री बन गई? सुपरलेटिव डिग्री बन गई। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। पहले जो रूल में, रूल वन जो आपका है, इसमें हमने क्या किया है? जो भी हमारे विशेषण हैं, जो भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं, उनमें हमने ई आर और ई एस टी को जोड़ दिया है। इनका मतलब समझ लें। हाई, ऊंचा, ग्रेट, महान, मैं आपको बता चुकी हूं, उससे महान, सबसे महान। हाई, ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। स्वीट, मीठा, स्वीटर, उससे मीठा, स्वीटेस्ट, सबसे मीठा। बोल्ड, निर्भीक, बोल्डर, उससे निर्भीक और बोल्डेस्ट, सबसे निर्भीक। क्लीन, साफ, क्लीनर, उससे साफ, क्लीनेस्ट, सबसे साफ। सॉफ्ट, मुलायम, सॉफ्टर, मुलायम, उससे ज्यादा, सॉफ्टेस्ट, सबसे ज्यादा मुलायम। टॉल, लंबा या लंबी, टॉलर, उससे लंबा, टॉलेस्ट, सबसे लंबा। फर्स्ट रूल में हमको क्या करना था? खाली ई आर और ई एस टी ऐड करना है, ठीक है? अब देखिए आपका वॉर्म, वार्मर, वार्मेस्ट, इसको भी समझ लेते हैं। वॉर्म, गर्म, वार्मर, उससे ज्यादा गर्म, वार्मेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म। फास्ट, तेज, फास्टर, उससे ज्यादा तेज, फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज। समझ में आया? अब क्या करना है? अब देखिए ये जो आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, इसमें और इन वर्ड्स में क्या अंतर है बताइए मुझे? ये जो शब्द हमने वन के साथ में लिखे हैं, ये जितने वर्ड्स हैं, और ये जो सेकंड कॉलम में जो वर्ड्स आ रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, यहां लास्ट में ई आ रहा है, दिख रहा है? ब्रेव, लार्ज, एबल, फाइन, वाइज। ये शब्द जो समाप्त हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, इनका फाइनल लेटर है ई। अब हमको अगर इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हमको सिर्फ आर या ई एस टी, एस टी ही जोड़ना पड़ेगा। ओनली आर एंड एस टी, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है, यहां पे है ना ई। अब ब्रेव के बाद में आपको सिर्फ क्या जोड़ना है? आर, तो ब्रेवर हो गया। खाली एस टी जोड़ा तो ब्रेवेस्ट हो गया। इसी तरह से लार्ज में देखिए, लार्जर, सिर्फ आर जोड़ना पड़ा और लास्ट में सिर्फ एस टी जोड़ना पड़ा। इसी तरह से एबल में खाली आर लास्ट में आपको जोड़ना पड़ा और एस टी में, एबलेस्ट में खाली एस टी जोड़ना पड़ा। फाइन, फाइनर, लास्ट में ओनली आर और लास्ट में ओनली एस टी, आपका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन गया। इसी तरह से फाइन, वाइज, वाइज में ओनली आर एंड फाइनली एस टी। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो ई से एंड होते हैं, जिनका फाइनल लेटर या अंतिम अक्षर ई हो रहा है, उसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय सिर्फ आर या एस टी जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ई आर या ई एस टी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ई यहां पर है। समझ में आया अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम? पहले रूल में आपने क्या किया है? पहले रूल में ई आर नहीं था तो आपको ई आर और ई एस टी जोड़ना पड़ा,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आर या एस टी जोड़ना है। एक बार इनका मतलब समझ लें, ब्रेव बहादुर, ब्रेवर उससे ज्यादा बहादुर, और ब्रेवेस्ट सबसे ज्यादा बहादुर। लार्ज बड़ा, लार्जर उससे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, एबल सक्षम, एबलर उससे सक्षम, एबलेस्ट सबसे सक्षम। फाइन, बारीक या सबसे बढ़िया, दोनों शब्द आते हैं बेटा। फाइन बहुत बढ़िया या फाइन बारीक, दोनों होता है। चलिए हम बढ़िया मान लेते हैं, फाइन बढ़िया, फाइनर उससे बढ़िया, फाइनेस्ट सबसे बढ़िया। वाइज बुद्धिमान, वाइजर उससे बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान। इसके बाद मैं समझती हूं ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से हमने बनाया। पहले में हमने क्या किया है, खाली ईआर और ईएसटी ऐड किया है। फर्स्ट वाले में ईआर ईएसटी, सेकेंड वाले में सिर्फ आर या एसटी। अब थर्ड को देखिए, यहां आपको क्या अंतर दिख रहा है, ये सारे जो शब्द हैं अर्ली हैप्पी इजी हेल्दी हैवी ड्राई, ये सब वाई से एंड हो रहा है। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स वाई से एंड हो रहे हैं। अब आपको जो अभी तक आप देख रहे हैं कि आपको ईआर और ईएसटी ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है, ठीक है। यहां पे ये वाई जो है, जब भी हम इसमें आई ER या EST ऐड करेंगे, जो फाइनल Y है सबका अंतिम Y, ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे I में। या तो आप इसे ऐसे बोलिए कि हम फाइनल Y को, अंतिम Y को चेंज कर दें I में और उसमें जोड़ दें ER और EST, या Y को हटा के IER IEST, ठीक है। चीज वही है, समझना है आपको। यहां अर्ली पहले, जल्दी, आपने वाई को बदला आई में, जोड़ा ई आर ई एस टी, वाई चेंज हुआ आई में ई आर ई एस टी, हैप्पी हैप्पियर, फिर वाई चेंज हो गया आई में ई आर ई एस टी, इजी वाई चेंज हो गया आई में ई आर ई एस टी, हेल्दी फिर वाई चेंज हो गया आई में ई आर EST, heavy Y changes into I ER EST, dry I change Y change into I ER EST। तो ये last rule में आपने देखा कि जो finally Y से end होने वाले words थे उसमें हमने Y को I में बदल दिया। सारे Y की जगह I कर दीजिए। और जैसा रूल वन में हमने किया था कि ई आर और ई एस टी, ई आर ई एस टी, ई आर ई एस टी, वो आप लास्ट तक ले आइए, फिनिश। इनका मतलब समझिए, अर्ली जल्दी, अर्लियर उससे जल्दी, अर्लियर सबसे जल्दी, हैप्पी खुश, हैप्पियर उससे खुश, हैप्पीएस्ट सबसे खुश, इजी आसान, इजियर उससे आसान, उससे सरल, इजिएस्ट सबसे सरल, हेल्दी स्वस्थ, हेल्दियर उससे स्वस्थ, हेल्दीएस्ट सबसे ज्यादा स्वस्थ, हैवी भारी, हैवियर उससे भारी, हैवीएस्ट सबसे भारी, ड्राई सूखा, ड्रायर उससे सूखा, ड्राइएस्ट सबसे सूखा। समझ में आया अच्छी तरह से? ये आपके, ये अभी रूल्स यहां एंड नहीं हुए हैं, हम कुछ और भी रूल्स जानेंगे, लेकिन इतने रूल्स को पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहां पहले वाले में आपको ई आर ई एस टी ऐड करना है, दूसरे में ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो ई से एंड हो रहे हैं उसमें खाली आर और एस टी ऐड करना है, और तीसरे टाइप में जिसमें वाई से एंड होने वाले एडजेक्टिव्स हैं उनमें आपको वाई को आई में बदल के ER और EST ऐड करना। समझ में आया अच्छी तरह से?
ये तो आप जान गए किस तरह से आपको बनाना है पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप बता, अगर आपसे बन जाएगा तो फिर हम लेट्स डू इट में आ जाएंगे, ठीक है। तीन चिड़िया हैं, टिमी, ट्रिकी एंड टीनी। टिमी, ट्रिकी एंड टीनी, इसका नेस्ट क्लीन है, इसका नेस्ट क्लीनर है, उससे साफ है, और इसका नेस्ट क्लीनेस्ट है, सबसे साफ है। इन चिड़ियाओं में, तीनों चिड़ियों में, टिमी का क्लीनर नेस्ट, ट्रिकी का क्लीनर है, टीनी का सबसे साफ है। अब आपको बोलना है इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे? टिमी हैज अ क्लीन नेस्ट, ट्रिकीज नेस्ट इज क्लीनर देन टिमीज। And Teeny has the cleanest nest of all the three. All the three, या आप इसको वैसा वाला लिखना चाहते हैं तो all in nest of all in द ग्रुप, क्लीनेस्ट नेस्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप, दोनों सही है, आप जो लिखना चाहें, या क्लीनेस्ट नेस्ट ऑफ ऑल करके भी आप अगर यहां फुल पॉइंट लगा देंगे तो वो भी अपने आप में सही है। ये इन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, टिमी हैज अ क्लीन नेस्ट, ट्रिकीज नेस्ट, ट्रिकीज ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से कि नहीं, ट्रिकीज नेस्ट इज क्लीनर देन टिमीज, टीनी हैज द क्लीनेस्ट नेस्ट ऑफ ऑल, आपको देखना है एक जगह क्लीन है, क्लीनर देन है एंड द क्लीनेस्ट है, कौन सी डिग्री कौन सी है बताइए, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, समझ में आया अच्छी तरह से? अब हम आते हैं अपने लेट्स डू इट, रेडी हो जाइए आप लोग, लेट्स डू इट में आपको हम ट्रांसपोर्ट वर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन्स पे देखेंगे, बुलक कार्ट, बाइसिकल, अ ट्रेन, अ प्लेन, और आपको इसको फास्ट इस एडजेक्टिव से बोलना है, कैसे बोलना है? A bicycle is faster than a bullock cart. A train is faster than a bicycle. And a plane is the fastest of all in the group. ये मैंने बता दिया, लेकिन ये आपको लिखना है, लेट्स डू इट, कीजिए इसको, हो गया, ये तो पूरा बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन फिर भी आपको बनना चाहिए, लिखिए। इसके बाद हम आते हैं एक और छोटी सी एक्सरसाइज, इसी पे हम करेंगे, इस लेट्स डू इट में ये है, इसमें मैं आपको कोई भी हिंट नहीं देने वाली, ये आप खुद करेंगे, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड राइट देम करेक्टली, जो शब्द यहां मैं दे रही हूं आपको उसमें कुछ शब्दों में गलतियां हैं, और हो भी सकता है कि वो सही हो, ये आपको देखना है कि वो सही है कि गलत है, और उसको आपको पॉइंट आउट करना है और करेक्ट करके लिखना है, जैसे अर्लियर, हेल्दीएस्ट, ड्रायर, ब्रेवर, इजीएस्ट, तो आप देखिए उसको, मिस्टेक है अगर तो मिस्टेक सुधार के लिखिए, ठीक है, ये दो लेट्स डू इट। इसके बाद हम आते हैं लेट्स स्पीक, इसमें
लेट्स स्पीक में मैं आपको क्लूज दे रही हूं, ये तीन बच्चियां हैं, सीमा, मीना और टीना। हाइट देखिए 150 सेंटीमीटर सीमा, मीना की हाइट है 152 सेंटीमीटर और टीना की हाइट है 154 सेंटीमीटर। आपको बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने बताया ना अभी ये वाला और नेहा का एग्जाम्पल लेके वैसे ही आपको बोलना है। बता दूं क्या एक बार, सीमा इज अ टॉल गर्ल, मीना इज टॉलर देन सीमा एंड टीना इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप। ये ऐसे ही आप बोलेंगे। इसी तरह से एक और है, वुडन बॉक्स वेट है 3 kg, प्लास्टिक बॉक्स वेट है 1 kg, आयरन बॉक्स वेट है 5 kg। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट यूज करते हुए तीन सेंटेंसेस। तो दो दो बच्चे जो बैठे हुए हैं, एक बच्चा लड़कियों की हाइट को कंपेयर करेगा, दूसरा बच्चा बॉक्स की हैवीनेस को कंपेयर करेगा। उसके बाद जिसने बॉक्स की हैवीनेस को कंपेयर किया है वो लड़कियों की हाइट्स को कंपेयर करेगा, तीन सेंटेंस बोलेगा। और फिर जिसने बॉक्स की हैवीनेस को कंपेयर किया है वो लड़कियों की हाइट्स को कंपेयर करेगा। और ऐसा तब तक जब तक कि इस कक्षा का अंतिम बच्चा भी लेट्स स्पीक नहीं कर लेता। ठीक है, करिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।